हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट के सिक्स चैप्टर की रीडिंग करेंगे, चेंजेस अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते हैं, यानी कि जो बदलाव होते हैं। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू, व्हाट अदर थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज। कितना मज़ेदार होगा ना कि अगर हमारे पास अचानक से ही कुछ मैजिकल पावर्स आ जाएँ, यानी कि कुछ जादुई शक्तियाँ हमें मिल जाएँ, तो कितना सब कुछ अच्छा लगेगा। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो आप चेंज करना चाहेंगे अपने आसपास। देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ये लगा कि मतलब इस पर मैजिकल पावर हो जैसे कि, और जो चीज़ें ये चेंज करना चाहता है, जैसे कि किसी की नोज़ को बड़ा कर दिया है ना, और बादलों में अपना घर बनाया, या फिर ये प्रिंस बन गया, या फिर हम जो हमारा बिस्तर जो है वो हवा में तैर रहा है, या फिर हमारे पास एक मैजिक पेंसिल आ गई। शकालका बूम बूम सीरियल आता था ना, जिसमें मैजिकल पेंसिल होती है, उसके पास में उस टाइप की पेंसिल वो मैजिक से ले लेगा। सो वी डू नॉट हैव मैजिकल पास, हमारे पास कोई मैजिकल पास नहीं होती है, ऑफकोर्स हाँ नहीं होती है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ चीज़ें अपने आसपास चेंज करते रहते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, ऐसा कई सारी चीज़ों के साथ होता है। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू, क्या तुम कुछ चीज़ों की लिस्ट बना सकते हो जो आपके आसपास चेंज होती है, विद नो मैजिक इन्वॉल्व, जिसमें कि कोई भी मैजिक नहीं होता, फिर भी हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे आसपास अपना जो शेप होती है उनकी अपनी जगह जो होती है उसे बदलते रहते हैं अपने ही आप। इन देयर फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपने देखा होगा खेत में जो फसल होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी कैसी होती है, कभी पहले सबसे पहले उसमें हम लोग जुताई करते हैं, उसके बाद में क्या होता है उसमें बीज डाले जाते हैं, बीज धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, तो वो सब कुछ अपने आप ही होता रहता है, हम सिर्फ उसमें पानी लगाते हैं, कुछ प्रोसेस होता है। कुछ फसल ऐसी होती है कि उनमें पानी भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही ग्रो करती रहती हैं। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कभी कभी कैसा होता है कुछ टाइम पे जो लीव्स होती हैं, इनकी जो पत्ते होते हैं वो अपने आप ही पेड़ों से झड़ जाती हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, अपना कलर चेंज कर लेती हैं, पहले ग्रीन होती हैं, फिर येलो हो जाती हैं, और फिर अपने आप ही झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम, जो फ्लावर्स होते हैं, ब्लूम मीन्स होता है खिलना या फूलना, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, वो अपने आप ही तो पेड़ों पर जब लगे होते हैं तो अपने आप ही खिलने लगते हैं, एंड देन विदर अवे, और अपने आप ही फिर बाद में मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या तुम्हारी बॉडी में कोई चेंजेस होते रहते हैं। योर नेल्स ग्रो, हमारे जो नेल्स होते हैं वो अपने आप ही बढ़ते हैं ना तुम लोगों के। योर हेयर ग्रो, और तुम्हारे जो बाल होते हैं वो भी अपने आप बढ़ते रहते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं जो अपने आप होते हैं वो हमारे नेल्स और हेयर्स का होता है, वो अपने आप ही ग्रो करते रहते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, आप लंबे होते हैं अपने आप ही, यानी कि आपकी ग्रोथ भी बढ़ने लगती है, हाइट बढ़ने लगती है, और आपका जो वेट होता है वो अपने आप ही कम भी होने लगता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, क्या तुमने पहले कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास जो चेंजेस होते रहते हैं वो अपने आप ही अपनी जगह बनाते जाते हैं। चलो अब हम थोड़ा सा देखते हैं, कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या तुम उनमें से कुछ जो चेंजेस हो रहे हैं तुम्हारे आसपास उसको एक ग्रुप बना सकते हो। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, हम बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं उनको ग्रुप कैसे कर सकते हैं। इट माइट हेल्प, इसमें हमें कुछ हेल्प की भी ज़रूरत हो सकती है, इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम, अगर हमें उनमें कुछ सिमिलैरिटी देखने के लिए मिले तो ही तो हम उन्हें ग्रुपिंग कर पाएंगे। अब देख लेते हैं 6.1, फर्स्ट एक्टिविटी है, पहले है हमारा कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स, क्या जो हमारे जो चेंजेस होते हैं वो हमेशा ही रिवर्स होते रहते हैं, यानी कि वो फिर से अपनी शेप में आ जाते हैं जैसे पहले होते हैं, मींस अपने जो पहला वाला उनके वास्तविक जो अस्तित्व होता है उसमें आ सकते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं हम, इसमें क्या दिया हुआ है हमें। टेक अ बलून एंड ब्लो इट, पहले एक बलून लीजिए और उसको ब्लो कीजिए, यानी कि उसमें हवा भरिए। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट, और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो फटे नहीं, बस्ट ना हो जाए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, तो जो बलून की शेप और साइज़ है वो क्या होगा, हम जैसे उसमें भरा हवा भरेंगे तो वो चेंज होता जाएगा ना। लेट द एयर एस्केप द बलून, और उसके बाद क्या करें, वो जो एयर है उसको उस बलून में से निकाल दें। देखो ये इस फिगर में दिया हुआ है ना, ये बलून में एयर फिल की उन्होंने, और बाद में क्या बोला है कि वो जो हवा है उसको उसमें से निकाल दीजिए। 6.1 फिगर में हमारा दिया हुआ है ये चेंज।
नाउ एक्टिविटी टू देख लेते हैं. टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन द फिगर 6.2. नीचे 6.2 में हमें एक पेपर दिया हुआ है, ठीक है. यू हैव चेंज द शीट ऑफ द पेपर इन टू अ टॉय एरोप्लेन. और क्या करना है, जो आपके पास पेपर शीट है उसमें से एक टॉय एरोप्लेन, जैसे हम लोग बनाते हैं ना पेपर से एरोप्लेन बना लेते हैं, उस तरीके से उसमें से एरोप्लेन बनाइए. यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन. आपको बहुत मजा आएगा इस प्लेन को उड़ाने में. वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, और जब आप उसे उड़ाते थक जाए, मतलब उस चीज़ से बोर हो जाए, अनफोल्ड द पेपर अगेन, तो आप फिर से उस पेपर को अनफोल्ड कर सकते हैं, यानी कि उसे खोल सकते हैं. ये देखिए, ये फिगर 6.2 दिया हुआ है. इसमें पहले आपने क्या किया, ये आपका खुला हुआ पेपर है, उसके बाद आपने इस तरीके से फोल्ड करके इसको एरोप्लेन बना लिया, और जब आप इसे थक जाएं तो आप फिर से क्या करें, इसको उसके एक्चुअल फॉर्म में ले आएँ, यानी कि उसे अनफोल्ड करते पेपर को. एक्टिविटी थर्ड देख लेते हैं. टेक सम डो एंड मेक अ बॉल. कुछ थोड़ा सा लगा हुआ आटा, जो पानी में मिला के जब हम आटा बना लेते हैं ना रोटियां बनाने के लिए, तो उसको डो बोलते हैं. तो थोड़ा सा लगा हुआ आटा लीजिए और उसकी बॉल बनाइए. ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और उसमें से थोड़ी सी रोटी बनाने की कोशिश कीजिए. सिक्स, जैसे कि आपको नीचे फिगर 6.2 में दिया हुआ है. मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप. हो सकता है कि आप उसकी जो शेप आए, यानी कि वो सर्कल में ना हो, गोल ना हो, तो आप उसकी शेप से खुश ना हो. एंड विश टू चेंज इट बैक इन टू अ बॉल, टू बॉल ऑफ डॉ अगेन. और फिर से आप उसका जो डॉ है उसका मतलब बॉल बना सकते हैं, अगर आपकी रोटी सही शेप में नहीं आती है तो, ठीक है. तो ये जो हमारी एक्टिविटी है ये भी रिवर्स हो सकती है. नाउ थिंक अबाउट द थ्री चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 and 3. अब उनको बारे में सोचिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए जो आपने एक्टिविटी की 1, 2 और 3 में. वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़. क्या ये पॉसिबल था बलून को उसकी ओरिजिनल शेप और साइज़ में लाना? हाँ बिल्कुल था, क्योंकि उसमें हमने पहले एयर ब्लो की, उसके बाद में एयर को निकाल दिया उसमें से, तो वापस से अपनी उसी साइज़ में आ गया. वॉज द साइज़ ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर द आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? जो आपने एरोप्लेन बनाया, क्या कि वो वापस उसी सेम साइज़ में आ गया जिसमें वो था? हाँ बिल्कुल आ गया. उसको हमने अनफोल्ड कर दिया एरोप्लेन को, वो फिर से उसी साइज़ में आ गया जैसे वो पेपर था, वैसे अनफोल्ड पेपर बन गया. वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डॉ अगेन? हाँ, उसमें जो बॉल थी वो तो ईजिली हमने फिर से क्या किया, बॉल बनाया, उसमें से रोटी बेलने की कोशिश की हमने, और जब रोटी की शेप अच्छी नहीं आई तो हमने उसको फिर से एक बॉल में कन्वर्ट कर लिया. What do you conclude in each of the three activities? Is it possible to get back to the material with which we started our activity? आपको क्या लगता है, मतलब क्या conclusion आपका निकला, क्या आपका result निकला बाद में, कि आपने जो तीनों activity की, क्या उनको वापस उसी form में लाना possible था जिसमें वो पहले थी? If the answer is yes, अगर आपका answer yes है, it means that the change occurring इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स. तो इसका मतलब ये है, अगर आपका आंसर हाँ है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो भी ये सारा वो की एक्टिविटी की, उसको वापस से उसकी एक्चुअल फॉर्म में लाना पॉसिबल था. नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंट. अब यही एक्टिविटीज़ को हम फिर से एक अलग तरीके से करके देखते हैं. एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1. अब वापस से उसी बलून को लीजिए जो आपने एक्टिविटी 1 में उसे बड़ा किया था, मतलब उसमें एयर फिल की थी और फिर वो फूल गया था, उसको वापस उसकी शेप में लाए थे. अब वो कह रहा है कि अब क्या करना है, मैं उस बलून का ब्लो इट टू इट्स फुल साइज़. अब उसका जितना भी साइज़ है उसे उसके फुल साइज़ में ब्लो करो, यानी कि उसमें एयर भरो. एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली, और उसका जो मुँह है उसके माउथ पर एक धागा बांध दो बहुत ही टाइटली. प्रिक इट विद द पॉइंटेड टेप ऑफ योर पेंसिल, उप्स इट्स बस्ट. और उसे क्या करना है, आपकी जो पेंसिल की जो पॉइंट है ना उससे उसको बलून को प्रिक करो, यानी कि उसमें चुभा दो. इससे क्या होगा, नेचुरल है, जो बलून होगा वो बस्ट हो जाएगा. उप्स इट बस्ट, अरे ये तो फट गया. एक्टिविटी 5 देख लेते हैं. टेक द सेम पेपर पीस ऑफ पेपर. अब उसी पेपर को लीजिए जो जिससे हमने एरोप्लेन बनाया था, उस पर क्या करना है, अभी हमें ड्रॉ करना है एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन. और अब क्या करना है, उसमें हमें आउटलाइन बनानी है, ठीक है. और आउटलाइन बना के, यानी कि उसमें उसे ड्रॉ करके हमें उसे काट लेना है, जो आउटलाइन हमने की उसमें से हमें उसे काट लेना है. और काटने के बाद क्या होगा, अलग करेंगे जब हम उसे काट ही लेंगे, तो वो पेपर उसके एक्चुअल फॉर्म में तो नहीं आएगा, अनफोल्ड पोजिशन में तो आने से रहा. 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा. चलो अब फिर से ऐसा करते हैं कि जो डो था हमारे पास, लगा हुआ आटा था पानी वाला,
जो जैसे हम रोटी बनाते हैं उसमें से फिर से एक बॉल लेते हैं और फिर से रोटी बनाते हैं। अब इस रोटी को क्या करना है, हमें तवे पे सेक लेना है, यानी कि उसे पका लेना है, बेक कर लेना है। ओके, सपोज यू आर आस्क द सेम थ्री क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी थ्री। चलो अगर आप फिर से वही क्वेश्चन किया जाए आपसे कि जो आपने एक्टिविटी थ्री करने के बाद आपसे किया गया था, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ, तो अब आपका आंसर क्या होगा। वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी फोर फाइव एंड सिक्स कैन नॉट बी रिवर्स। अब हम देखेंगे कि जो चेंजेस हो चुके हैं एक्टिविटी फोर फाइव सिक्स में, अब वो रिवर्स नहीं हो सकते, पहले जैसे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बलून फट गया वो फिर से पहले वाली साइज़ में नहीं आ सकता। पेपर को हमने एरोप्लेन में ड्रॉ करके उसे कट कर लिया है तो वो फिर से पहले जैसा नहीं बन सकता, और ना ही अब तवा रोटी जो है वो फिर से बॉल बन सकती है डॉग की। यू यूज़ अ पेंसिल एंड एन इरेजर, आप पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हैं ना अपना वर्क करने के लिए, विद रिपीट रिपीटेड यूज़, यानी कि जो बार बार यूज़ होता है पेंसिल और इरेजर का, देयर शेप एंड साइज़ चेंज, तो उनके क्या होते हैं, शेप और साइज़ चेंज हो जाते हैं। पेंसिल को आप बार बार शार्प करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है और साइज़ भी चेंज हो जाता है, और इरेजर उससे भी जब आप रब करते हैं लिखा हुआ तो उसका भी साइज़ चेंज हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या आप पेंसिल और इरेजर के इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, आप उसे भी नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, आपने जरूरी एक किसी पॉटर को देखा होगा व्हील पे, उसका जो व्हील होता है उस पर वो लोग काम करते हैं ना, जो पॉटर होते हैं यानी कि जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इंटू अ पॉट, उन्होंने वो क्या करते हैं अपना जब जो पॉट बनाना होता है उनको, यानी कि जो बर्तन बनाने होते हैं मिट्टी वाले, तो वो क्या करते हैं मिट्टी का एक पूरा ढेर लेते हैं ना, एक साथ इकट्ठी हुई मिट्टी को लेते हैं और उस अपने व्हील पे रखते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो क्या उनका ये जो चेंज होता है यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो प्रोसेस होता है उसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो अभी कच्ची मिट्टी का है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन, और उसके बाद क्या करता है मिट्टी का वो व्हील पे पॉट बनाने के बाद उसे बेक कर लेता है, यानी कि पका लेता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या अब ये चेंज वापस हो सकता है? नहीं, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि अब तो बर्तन पक गया। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड। अब नीचे आपको टेबल दी है 6.1 में, उसमें कुछ आपको चेंजेस दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि मतलब सोच के बताइए कि उन्हें आप चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। हमने देखा कि कुछ तो चीज़ों को ग्रुप बना बना सकते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ के नहीं बना सकते हैं। टेबल 6.1 सम कॉमन चेंजेस, आपको चेंजेस दिए हुए हैं, आपको सामने लिखना है कैन बी रिवर्स्ड, यस और नो में अपना आंसर लिखना है। ओके, सो ये आपका होमवर्क हो गया। टेबल 6.1 में आप इन्हें कंप्लीट करेंगे एंड एवरी स्टूडेंट्स हैव टू आंसर ऑफ टू चेंजेस। ओके, आपको वो भी आपके जो आंसर है वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। कुछ बच्चे बैटर टू इडली का आंसर लिखेंगे, या आप उसे चेंज कर सकते, रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। आपको बैटर टू इडली और येस और नो लिख के भेजना है, वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, इसको भी येस और नो लिख के भेजना है। इसी तरीके से आप ये पूरी टेबल देखेंगे और टू टू डिफरेंट डिफरेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स आप लोग इसका आंसर करते जाएंगे। फर्स्ट जो आंसर होगा उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चा वीडियो देखेगा वो नेक्स्ट टू का आंसर करेगा, इसी तरीके से आप लोग आंसर करते जाएंगे। ये आपका होमवर्क है एंड यू हैव टू डू इट। सो नाउ 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, क्या और भी कोई रास्ते हो सकते हैं चेंजेस को करने के लिए? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉयल, हमने कुछ टूल्स देखे हैं जो कि क्या करते हैं मिट्टी का गड्ढा खोदते हैं। फिगर 6.6 में हमें नीचे दिया गया है, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज़ फिक्स टू द वुडन हैंडल, क्या आपने कभी देखा है कि ये जो हमारे आयरन के जो ब्लेड होते हैं इनमें लकड़ी की जो होती है रॉड होती है, रॉड जैसे होती है, उसको किस तरीके से फिक्स करते हैं? देखो नीचे आपको ये दिए हुए ना, ये रहे, ये काम करने आते हैं ना जो लेबर होते हैं, वो लोग काम करते हैं ना जब घर वगैरह का मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन होता है उस टाइम पे आते हैं ना लेबर, ऐसे अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपको, ये तो आयरन के ब्लेड्स हो गए आपके, ठीक है, और ये वुडन रॉड्स हैं जिनको इसमें फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करते हैं, इनमें होल होता है, जो आयरन ब्लेड है ना इनमें होल होता है बीच में, और उस होल में इसको लकड़ी की जो हमारे ये हैं रॉड, इनको फिक्स किया जाता है। कैसे फिक्स किया जाता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग
इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड इन, में एक रिंग होती है यानी कि एक होल जैसा छेद जैसा होता है जिसमें लकड़ी की उसको हैंडल को फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज़, जो रिंग होती है वो छोटी होती है साइज़ में, देन द वुडन हैंडल, जो वुडन का जो लकड़ी का हैंडल होता है उससे जो आयरन ब्लेड की जो रिंग होती है वो छोटी होती है, टू फिक्स द हैंडल। अब उस लकड़ी के हैंडल को उसमें फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है, द रिंग इज़ हीटेड, जो ब्लेड की जो रिंग होती है उसको हीट करते हैं यानी कि उसे खूब गर्म करते हैं, एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज़। तो क्या होती है, हीट करने से लोहा क्या करता है, पिघलता है ना, जो रेड रेड हो जाता होगा बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कभी तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक स्मिथ की शॉप पे आपने कभी देखा हो तो लोहे को जब वो लोग पीटते हैं पहले तपाते हैं उसको बहुत गर्म करते हैं, रेड हो जाता है, रेड होकर क्या होता है उसका साइज़ थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। तो इसी तरीके से बोल रहा है कि वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है जब उसको हीट दी जाती है, तो रिंग का साइज़ थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, एक्सपेंस मीन्स वही होता है आपका यानी कि फैल जाता है या बढ़ जाता है। नाउ द हैंडल इजिली फिक्स्ड फिट्स इन टू द रिंग, अब क्या होता है हैंडल को, वुड का जो हमारा हैंडल है उसको हम रिंग में इजिली फिक्स कर लेते हैं, व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, और जब वो रिंग जो होती है जैसे हमने हीट किया आयरन की रिंग, जब वो ठंडी होती है तो क्या करती है, सिकुड़ जाती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स होता है सिकुड़ जाती है, एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल, और जो लकड़ी का हैंडल होता है उसको वो टाइटली फिक्स कर देती है, यानी कि पहले वो लूज़ होती है जब उसको हीटिंग दी जाती है लोहे की रिंग को, और जब हम जब हीटिंग दी जाती है तो थोड़ी सी लूज़ होती है, फिर हम क्या करते हैं उसमें लकड़ी का जो हैंडल होता है उसको हम उसमें फिक्स कर देते हैं, उसके बाद जब वो ठंडा होता है आयरन तो उसके बाद वो टाइट हो जाता है और हैंडल को फिक्स कर देता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सच अ चेंज इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7। अब आपको 6.7 में दिया हुआ है कार्ट का एक जो व्हील होता है उसमें क्या किया जाता है, उस पे भी इनको क्या करनी है, फिक्स करनी है, कोई भी रिम जो होते हैं उस पे मेटल की इनको रिम फिक्स करनी है वुडन के व्हील पे। अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील, अब फिर क्या होगा, फिर से रिम क्या होगी वो उस व्हील से छोटी होती है साइज़ में ऑन हीटिंग, फिर उसको हीट दी जाती है, द रिम एक्सपेंड, तो उसके बाद जो रिम होती है वो एक्सपेंड यानी कि फैल जाती है, बड़ी हो जाती है, एंड फिट्स ऑन द व्हील, और जब वो फैल जाती है गर्म ही होती है तो उसको व्हील के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड ओवर द रिम, और फिर उसके ऊपर जो ठंडा पानी होता है उस रिम के ऊपर फैला दिया जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स, जिससे कि क्या होता है ठंडा पानी फैलाने से जो लोहा होता है वो सिकुड़ जाता है, एंड फिर टाइटली ऑन द ऑन टू द व्हील, और उस व्हील पे वो अच्छे से फिक्स हो जाती है। ये देखो इस फिगर में दिखाया हुआ है ना, ये हमारा कार्ट का व्हील है, इस पे ये हमारी है रिम है मेटल की, इसको पहले गर्म किया, गर्म करने के बाद ये थोड़ी फैल गई तो हमने ऐसे क्या किया व्हील के ऊपर इसको फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद हमने इस पे ठंडा पानी डाला जिससे क्या हुआ ये रिम टाइट हो गई और उस पे अच्छे से फिट हो गई। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम किसी पैन में थोड़ा सा पानी लेते हैं उसे गर्म करते हैं, इट बिगिन्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, तो थोड़ी देर बाद वो क्या करने लगता है, जो पानी होता है वो बहुत बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अगर हम उसे लगातार हीट देते रहेंगे, द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन्स टू डिक्रीज, तो पैन में जो हमारा वाटर है उसकी क्वान्टिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी, द वाटर चेंजेस इन टू इट्स वेपर, क्यों होने लगेगी, क्योंकि हमारा जो पानी है वो भाप बन के उड़ने लगेगा। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज्ड इन टू लिक्विड वाटर वैन इट इज़ कूल्ड, आपने देखा होगा चैप्टर 5 की एक्टिविटी 7 में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है उसकी वेपर बनती है, भाप बनती है, बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है तो उसकी भाप बनने लगती है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो क्या होता है लिक्विड वाटर दैन इट इज़ कोल्ड, तो जब हमारा पानी ठंडा हो जाता है वो फिर से अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने ये भी नोटिस किया था कि जो आइस का जो मेल्ट होने का प्रोसेस था, हमने देखा था ना एक कैटल में हमने पानी गर्म किया था फिर उसके मुंह पे उसको जो आइस जमी हुई थी उस प्लेट को रखा तो उसके जो वेपर आ रहे थे उसकी हीटिंग से आइस जो थी वो मेल्ट होती जा रही थी, देखा था ना आइस मेल्ट व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसको हीट किया जाता तो आइस मेल्ट हो रही थी, व्हाट डज इट चेंज इनटू, ये चेंज उसमें कैसे हो रहा था, इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या अब ये पॉसिबल है उस पानी को फिर से आइस बनाना, लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, चलो कुछ और चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। बूजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन
वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल। बूजो ने नोटिस किया कि रोड को बनाने के लिए जो रोड वर्कर्स होते हैं ना, काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो एक काला काले रंग का एक मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं, तार, जिसको हम लोग डावर भी बोलते हैं, जो डावर रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन तार। वो जानना चाहता है कि जो चेंज होता है तार में बाय हीटिंग है, उसे हीट करने से कैन बी रिवर्स, क्या वो रिवर्स हो सकता है। अब पहेली वॉन्ट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है, इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। अगर आपने कभी, ब्लैक स्मिथ मीन्स होता है जो लोहार, जो लोहे का काम करता है ना, वो होता है ब्लैक स्मिथ। कुछ आपने कभी उसे टूल्स तैयार करते देखा है? हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इंटू डिफरेंट टूल्स। वो कैसे बना देता है आयरन के बहुत सारे टूल्स को, कैसे चेंज कर देता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। उसको आयरन को पहले क्या किया जाता है, उसे तब तक हीट दी जाती है जब तक वो लाल ना हो जाए, गर्म होगी। इट देन बिकम्स सॉफ्ट एंड इज बीटन इनटू अ डिजायर्ड से शेप। फिर उसको पीटा जाता है जब वो बिल्कुल पिघलने लग जैसा हो जाता है रेड होके, और फिर उसको वैसी ही शेप दे दी जाती है जैसी कि वो चाहता है। वॉट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन। तो आयरन ने कैसा, मतलब उसके अंदर क्या चेंज हुआ, ये ऑन बीइंग हीटेड, जब उसे हमने गर्म कर लिया। एक्टिविटी 7 देख लेते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक कैंडल लीजिए और उसकी जो लेंथ है उसे किसी भी स्केल से नाप लीजिए। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। और फिर उसे किसी जगह पे, सुटेबल जो जगह है आपके पास, उस पर उसे फिक्स कर दीजिए और उसको जला दीजिए। जला देना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। उसे थोड़ी देर जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब फिर से क्या करना है, उसको बुझा देना है और उसकी लेंथ को अब हम मेज़र करेंगे, जो कि फिगर 6.8 में दिया है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स। क्या अब उसमें जो चेंज हुआ है कैंडल में, उसको रिवर्स किया जा सकता है। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट। अगर हम पैन में, किसी बर्तन में थोड़ा सा वैक्स यानी कि मोम ले लेते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो क्या ये जो चेंज है ये रिवर्स किया जा सकता है। देखो पहले हम कैंडल वाला देख लेते हैं। ओके, जो हमारे कैंडल में जो चेंज हुआ, उसमें क्या था, हमने जब उसको मतलब जला दिया कैंडल को, तो वो पिघलता गया मोम, तो उसमें क्या हुआ, उसकी हाइट कम हो गई हमारी कैंडल की, है ना। यही है ना, इसमें उसकी हाइट अब पहले से कम हो चुकी है, लेकिन अब हम इसे रिवर्स तो नहीं कर सकते। कैंडल को हम जैसी थी वैसे का वैसा नहीं बना सकते। बट ये जो बर्निंग ऑफ अ कैंडल है, जब उसने बोला कि पैन में हमने थोड़ा सा वैक्स लिया और उसको नीचे हमने हीट किया, मतलब उसको, तो क्या हुआ, वो पिघल गया वैक्स है। लेकिन जब वो ठंडा होगा वैक्स, तो वो फिर से अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि वो पैन में है, उसमें कुछ भी चीज़ डिक्रीज नहीं हो रही है। इस वजह से वो अपनी एक्चुअल फॉर्म में फिर से रिवर्स हो सकता है, बट कैंडल नहीं हो सकती क्योंकि उसका साइज़ छोटा हो चुका है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। अब जो हमारी एक्टिविटी 7 है, उसे इंसेंस स्टिक यानी कि जो अगरबत्ती होती है, उसके साथ रिपीट करते हैं। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। तब तक वेट करते हैं जब तक वो पूरी तरह से जल नहीं जाती है। वॉट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक। अब ये जो चेंजेस हुए हमारे जली हुई स्टिक में, वो क्या थे। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। अब क्या हुआ, जो स्टिक हमारी जल गई, वो एक नए मटेरियल में हमें मिली है। कि कौन सा है वो नया मटेरियल जो मिला है। दीज आर ऐश एंड सम गैसेज। ये क्या है, कुछ धुआं है, यानी कि जो धुआं बन गया उसमें से जो निकला, सॉरी, ऐश मीन्स राख, कुछ राख जो उसे जल के बनी, एंड सम गैसेज, और जो उसके एसेंसेस थे उसकी गैस बनी, यानी कि उसकी खुशबू जैसे और गैस जैसे हमें धुएं की तरह मिली। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्रेजेंट स्मेल। हम ये गैसेस को देख तो नहीं सकते, लेकिन उनकी स्मेल, प्लीजेंट स्मेल यानी कि जो उनकी खुशबू है, उससे हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। कैन दिस चेंज भी रिवर्स, क्या इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली नॉट नहीं कर पाएंगे। एंड वॉट अबाउट द चेंज, और ये जो चेंज हुआ उसके बारे में, विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। और उस मैच स्टिक चेंज कर सकते हैं क्या, जो हमने इसको जलाने में, जो हमारी स्टिक थी उसे जलाने में हमने यूज़ किया। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। सो हमने काफ़ी डिस्कस किया ऑब्जेक्ट्स के बारे में और जो मटेरियल हैं उनके बारे में, कि उनको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं। वॉट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस
आर मिक्स टुगेदर। अब उस चेंज के बारे में क्या है, जब हम किसी भी दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर लेते हैं। इन चैप्टर फोर में हमने पढ़ा वी डिजॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर, हम वाटर को सॉरी सॉल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं, यानी कि उसमें वो अच्छी तरीके से घुल जाता है नमक पानी में। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, क्या आप सोचते हैं कि ये जो चेंज हुआ है वाटर और पानी में, इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या ये पॉसिबल है उस रिवर्स को चेंज कर पाना, पहले जैसे कर पाना। वेट इन फाइव चैप्टर फिफ्थ में हमने पढ़ा वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, हमने देखा था कि हम वाटर से सॉल्ट को कैसे अलग कर सकते हैं दोनों सॉल्यूशंस को, तो इस सॉल्यूशन को। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिजर्व्ड, तो क्या बता सकते हैं कि ये जो सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स किया इसको हम वापस से कर सकते हैं, मतलब रिवर्स हो सकता है ये सॉल्ट और वाटर को हम अलग अलग कर सकते हैं। पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बींग सेट, क्या देखो हमने जो ये किया था, हमने जब चैप्टर ये बता रहा है फिफ्थ में पढ़ा था, जब हमने सॉल्ट को पानी में मिक्स कर लिया तो जो ये जो सॉल्यूशन था, जब हम इसको हीट देते हैं तो हीट के साथ में क्या होता है, वेपर बन के पानी उड़ जाता है और नीचे क्या बचा था, उसमें सॉल्ट बचा था, तो इस ये जो रिवर्स था हम उसे क्या कर सकते हैं, इस चेंज को रिवर्स कर सकते थे उसमें। पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बींग सेट, अगर क्या आपने जैसे दही हम लोग जमाते हैं तो दही जब जम जाती है, अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू फॉर्म मिल्क, वो कैसे जम जाती है, हम दूध में बहुत थोड़ी सी जो हमारी दही होती है उसको गुनगुने दूध में मिक्स कर देते हैं। द मिल्क इज स्टर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस, और इसको किसी भी गर्म जगह पर रख देते हैं कुछ ही घंटों के लिए। इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में द मिल्क चेंजेज इन टू कर्ड, ये जो दूध होता है किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, ये जो बदलाव है क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि अब वो दूध जो है वो दही बन चुका है, अब दही से हम दूध तो नहीं बना सकते। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड वी, अब हमने कुछ चीज़ें देखी कि जिससे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, हो सकती है बाय हीटिंग इट, उसे गर्म करके, और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेस, और उसमें कुछ और सब्सटेंस मिला के हम उसे चेंज कर लेते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, और हमने ये भी पाया कि कुछ जो चेंजेस हैं उनको रिवर्स किया जा सकता है, वाइज सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स, जबकि कुछ और जो चेंजेस हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस, यहाँ बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स, अब इनका कुछ ग्रुप बनाइए अपने आसपास की चीज़ों का जिनको आप रिवर्स कर सकते हैं और जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इन हायर क्लासेज, अपनी बड़ी क्लासेज में, हायर क्लासेज में आगे की जो क्लासेज होंगी आपकी, यू विल लर्न मोर, तो आप इनके बारे में और डीपली पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड, उन तरीकों को पढ़ेंगे जिनसे हम चेंजेस कर पाते हैं, एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड, और उन तरीकों को जिनसे ये चेंजेस ग्रुप किए जा सकते हैं, इनको आप किस तरीके से ग्रुप करेंगे। चलो अब कीवर्ड्स देखते हैं, आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। चेंजेस आप सभी को पता है, चेंजेस यानी कि जो बदलाव होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होता है सिकुड़ना, एवोपरेशन होता है वाष्पीकरण, जो भाप बन के ऊपर जाता है, जब हमारी जो भाप होती है वो ऊपर चली जाती है। एक्सपेंशन होता है किसी भी चीज़ का विस्तार होना यानी कि बढ़ना। ओके, मेल्टिंग आपको पता ही है, हमारी आइस मेल्ट होती है यानी कि वो पिघलती है। सो आपकी चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से समझ पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।